हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू अनअकैडमी यूट्यूब चैनल। दोस्तों सभी का हार्दिक अभिनंदन है अनअकैडमी यूट्यूब चैनल पर। सबका राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप लोग? राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हार्दिक अभिनंदन इस भारत के भूगोल की रिवीजन कक्षा में। और दोस्तों जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि एग्जाम से पहले आपको मैं सेकंड पेपर का बहुत कुछ रिवीजन करवा दूंगा। मैंने देखो मॉडल ज्योग्राफी आपकी रिवीजन करवाई है, थोट मैंने रिवीजन करवाया आप लोगों का, भारत का भूगोल मैंने रिवीजन करवाया है, और अभी मैं सभी यूनिट का लाइव टेस्ट रात को 9 बजे आप लोगों के लिए ले रहा हूं। तो बहुत सारी क्लासें आप लोगों के लिए मैं उपलब्ध करा रहा हूं। पेपर फर्स्ट की क्लास भी आप लोगों के लिए, स्पेशल क्लास भी ले रहा हूं, वहां भी मैंने रिवीजन आपका कम्युनिकेशन का करवाया है, रिसर्च एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड का स्पेशल क्लास अनअकैडमी ऐप पे चल रही है। तो बहुत सारी क्लासें मैं आपकी रिवीजन करवा रहा हूं, ठीक है। उनका टाइमिंग सुबह 8 बजे है, प्लस क्लास भी अपनी मैं शुरू करने वाला हूं। तो आप जुड़ सकते हैं क्लास को, एक बार सेशन को शेयर जरूर करना मेरे दोस्तों। अनअकैडमी पे मेरी जो प्रोफाइल है वो राजेंद्र शर्मा के नाम से है, और अनअकैडमी पे आप कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो रेफरल कोड यूज करना है आपको राजेंद्र 10 कैपिटल अक्षर में बिना स्पेस दिए हुए। ये अनअकैडमी पे मेरी प्रोफाइल है राजेंद्र शर्मा के नाम से, तो आप मुझे वहां पे जाके फॉलो कर लें जिससे आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिले। ये कुछ डिटेल्स आप लोगों के सामने है, नया बैच ज्योग्राफी का और पेपर फर्स्ट का 15 दिसंबर से मैं शुरू कर रहा हूं। तो जिस भी भाई और बहन को मेरे साथ में जुड़ना है वो मेरे साथ में जुड़ सकता है। रेफरल कोड यूज करें राजेंद्र 10 कैपिटल अक्षर में, इसमें 10% का आपको डिस्काउंट मिलेगा। इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म पर बेस्ट एजुकेटर से पढ़ने के लिए आप यहाँ पे सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं मेरे दोस्तों। यहाँ पे आपको आइकोनिक और प्लस 2 कोर्स मिलेंगे, जिसमें आपको आइकोनिक में पर्सनल गाइडेंस, टेस्ट का एनालिसिस, एक्सपर्ट की गाइडलाइन, स्टडी मटेरियल, स्टडी प्लानर, ये आपको मिलता है। वहीं प्लस में आपको मिलता है लाइव क्लास, वीकली टेस्ट, कोर्स का स्ट्रक्चर, अनलिमिटेड एसएस, ये आपको ध्यान रखना है। कोर्स लेने के लिए आपको क्या करना है कि अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना, उसमें यहां पे आइकोनिक और प्लस यहां पे आपको मैनेज करना है कि जैसे आपको आइकोनिक लेना है तो आइकोनिक पे आपने क्लिक किया और देन उसके बाद में आपने ये रेफरल कोड डाल दिया राजेंद्र 10। रेफरल कोड आप राजेंद्र 10 यूज करना है आपको और मंथ सेलेक्ट कर लेना है। सेम वही प्रोसेस है, प्लस में आपको रेफरल कोड राजेंद्र 10 यूज करना है, मंथ सेलेक्ट करना है, अप्लाई कर देना है, इसमें 10% का डिस्काउंट मिलेगा। ये बेनिफिट्स है, जैसे प्लस में आपको लाइव क्लास मिलती है, टेस्ट सीरीज मिलता है, अनलिमिटेड प्रैक्टिस मिलता है, कोर्स का शेड्यूल, ये प्लस के बेनिफिट है। वही आइकोनिक में आपको लाइव क्लास मिलती है, टेस्ट सीरीज मिलता है, अनलिमिटेड प्रैक्टिस कोर्स मिलता है, कोर्स शेड्यूल मिलता है, पर्सनल कोच मिलता है, स्टडी प्लानर, वीकली रिव्यू, बूस्टर सेशन, डाउट सेशन, इंटरव्यू क्वेरी, स्टडी मटेरियल, ये सारे बेनिफिट्स आपको आइकोनिक में मिलते हैं। तो आप हमारे साथ में जुड़ के पढ़ सकते हैं। स्पेशल क्लास के कुछ फीचर्स हैं, राइज हैंड का ऑप्शन सबसे अच्छा ऑप्शन है, नेवर क्लास मिस, कभी क्लास मिस नहीं होती है, नोट्स मिलते हैं, कहीं भी बैठ के पढ़ सकते हैं, पोल्स का सिस्टम होता है, लाइव क्लास चलती है, तो आराम से आप हमारे साथ में जुड़ के पढ़े। और इंडियन ज्योग्राफी की इस रिविजन क्लास में आपका स्वागत। कल हमने बात कर ली थी भारतीय कृषि की, और उसके बाद में अपन ने बात करी थी भारतीय कृषि के साथ में अपन ने वन्य जीव अभ्यारण्य की भी बात कर ली थी, ठीक है। अब हम बात करेंगे आज चट्टानों की। चट्टानों की अगर बात करें, भारतीय चट्टाने, तो भारत में कुछ इस प्रकार की चट्टाने आपको मिलती हैं, जो दिखाई दे रही है आपको, कुछ इस प्रकार की चट्टान आपको देखने को मिलती है, ठीक है। ये कुछ चट्टान है, इस प्रकार की चट्टान आपको देखने को मिलती है मेरे दोस्तों। भारत की चट्टानों को हम 3 भागों में बांटते हैं, भारत की चट्टानों को 3 भागों में बांटते हैं, और 3 भागों में सबसे पहले जैसे उत्तर की पर्वतमाला या हिमालय में पाई जाने वाली चट्टान, हिमालय में पाई जाने वाली चट्टान, उत्तर भारत का मैदान यानी कि गंगा ब्रह्मपुत्र में पाई जाने वाली चट्टान समूह, गंगा ब्रह्मपुत्र में पाई जाने वाली चट्टान समूह, और प्रायद्वीपीय फटार यानी कि प्रायद्वीपीय भारत, यहां पाई जाने वाली चट्टान समूह,
प्रायद्वीपीय भारत, यहां पाई जाने वाली चट्टान समूह। तो मोटे मोटे आपको याद रखना है, भारत की चट्टान समूह को हम तीन पार्ट्स में बांट दिए हमने। पहला है हिमालय में पाई जाने वाली चट्टान, परीक्षा में प्रश्न खूब आता है हिमालय में कौन सी चट्टान पाई जाती है, गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान में कौन सी चट्टाने पाई जाती है, और प्रायद्वीपीय पठार में कौन सी चट्टान पाई जाती है। अब बात करें अपन सबसे पहले प्रायद्वीपीय पठार की, प्रायद्वीपीय पठार की चट्टानों की बात करें तो प्रायद्वीप में पहले सबसे पहले प्रायद्वीप जो है ये गोंडवाना लैंड का भाग है। पहली बात, भारत का जो प्रायद्वीपीय पठार है ये गोंडवाना लैंड का भाग है, तो ये गोंडवाना लैंड का एक भाग है और यहां पे गोंडवाना लैंड की ही चट्टान पाई जाती है, यानी कि यहां गोंडवाना लैंड की ही एक चट्टान है जिसे छह श्रेणियों में बांटा हुआ है। कितनी श्रेणियों में बांटा हुआ है? छह श्रेणियों में बांटा गया है। तो ध्यान रखना है प्रायद्वीपीय पठार में गोंडवाना लैंड की चट्टानें बिखरी पड़ी हैं जिनको छह श्रेणियों में बांटा हुआ है। सबसे पहले आर्कियन तंत्र की चट्टान, ये चट्टान कौन सी होती है? ये चट्टान नीस शिष्ट से, नीस शिष्ट से मिलकर बनी है। बुंदेलखंड, बेलारी कर्नाटक का, पश्चिमी बंगाल, नीलगिरी में इनका विस्तार है, यह आपको ध्यान रखना है। यानी कि आर्कियन तंत्र की जो चट्टान है ये चट्टान नीस और शिष्ट से निर्मित है। बुंदेलखंड, बेलारी, बंगाल, नीलगिरी में इनका विस्तार है। ठीक है, तो अब मैं इसके बारे में कुछ आपको एक्स्ट्रा नॉलेज और दे देता हूं। जैसे बात कौन सी चट्टानों की कर रहे हैं? आर्कियन युग की चट्टान। तो सबसे पहले याद रखना है नीस प्लस शिष्ट के संयोजन से निर्मित है, के संयोजन से, संयोजन से निर्मित है। दूसरी बात, सबसे प्राचीन चट्टान है, सबसे प्राचीन चट्टान है, सबसे प्राचीन चट्टान है, याद रखना है ये सबसे प्राचीन चट्टान है। तो ये बात भी आपको याद रखना है कि सबसे प्राचीन चट्टान कौन सी है? आर्कियन युग की चट्टान है। आर्कियन युग की चट्टान किससे निर्मित है? नीस और शिष्ट के संयोजन से निर्मित है। नीस और शिष्ट के संयोजन से निर्मित चट्टानों को आपके आर्कियन युग की चट्टानों की श्रेणी में शामिल किया गया है और यह सबसे प्राचीन चट्टान है, सबसे पुरानी चट्टान है। तो परीक्षा में प्रश्न पूछेगी सबसे पुरानी चट्टान कौन सी है, तो आपका जवाब होना चाहिए आर्कियन युग की चट्टान सबसे पुरानी है, यह आपको ध्यान रखना है। अब बात करेंगे धारवाड़ क्रम की चट्टान। आर्कियन तंत्र की चट्टान अपरदन से बनी है, आर्कियन युग की चट्टानों के अपरदन से बनी है। भारत में सर्वाधिक खनिज इसी तंत्र में पाए जाते हैं, जैसे लोहा, तांबा, सोना आदि, ये आपको ध्यान रखना है। तो यही अपन बात कर लें धारवाड़ क्रम की। धारवाड़ क्रम तो इनका याद रखना आर्कियन चट्टानों के अपरदन से निर्मित है, आर्कियन युग की चट्टानों से निर्मित, निर्मित है पहली बात। दूसरा, इनमें धात्विक खनिज सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, धात्विक खनिज, धात्विक खनिज सर्वाधिक, धात्विक खनिज सर्वाधिक पाए जाते हैं। इनकी तीसरी बात याद रखना, इन चट्टानों को दी जाती है संज्ञा, और इनको संज्ञा किसकी देते हैं? आर्थिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से संपन्न चट्टान, संपन्न चट्टान इनकी संज्ञा दी जाती है। आर्थिक दृष्टि से संपन्न चट्टान की इनको क्या दी जाती है? संज्ञा दी जाती है। कौन सी चट्टानों को? धारवाड़ क्रम की चट्टानों को। तो धारवाड़ क्रम की चट्टान आर्कियन युग की चट्टानों से निर्मित है, धात्विक खनिज सर्वाधिक पाए जाते हैं और इनको आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण चट्टानों की संज्ञा दी जाती है। तो ये मैंने बता दिया धात्विक खनिज सबसे ज्यादा खनिज इसी में पाए जाते हैं, याद रखना है। धारवाड़ क्रम की चट्टानों की अपन चर्चा करें
तो इनका विस्तार कर्नाटक में धारवाड़, बेलारी, अरावली, मध्य प्रदेश में बालाघाट और रीवा और छोटा नागपुर फटार पर है। छोटा नागपुर फटार पर है, इसीलिए छोटा नागपुर फटार को भारत का रूर कहते हैं। भारत का क्या कहते हैं? रूर। इसीलिए छोटा नागपुर फटार को भारत का रूर कहते हैं। तीसरे नंबर पर है कड़प्पा तंत्र की चट्टान। इन चट्टानों का निर्माण धारवाड़ तंत्र के अपरदन से हुआ है। इसका विस्तार कृष्णा नदी की घाटी और नल्ला मलाई में है, ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि ये सीक्वेंस में है, सारी चट्टाने क्रम में है पूरी की पूरी। सबसे पहले आर्कियन, फिर धारवाड़, फिर कड़प्पा, तो ये सब सीक्वेंस में है। इन चट्टानों का निर्माण धारवाड़ तंत्र के अपरदन से हुआ है। इसका विस्तार कृष्णा नदी की घाटी व नल्ला मलाई में है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है विंध्यन तंत्र की चट्टान। इन चट्टानों का निर्माण विंध्यन तंत्र की चट्टानों के अपरदन से हुआ है। इसका विस्तार चित्तौड़ से सासाराम बिहार तक है, याद रखना है। विंध्यन तंत्र की जो चट्टान है इनका निर्माण विंध्यन तंत्र की चट्टानों से हुआ है। यानी कि विंध्यन तंत्र की चट्टान निर्माण विंध्यन तंत्र की चट्टानों के अपरदन से हुआ है। इसका निर्माण, इसका विस्तार चित्तौड़ राजस्थान से बिहार के सासाराम तक है। ये प्रश्न एग्जाम में खूब पूछता है, विंध्यन तंत्र की चट्टानों का विस्तार कहां से कहां तक है? तो चित्तौड़ में, राजस्थान के चित्तौड़ से बिहार के सासाराम तक। गोंडवाना तंत्र की चट्टान, इन चट्टानों का विस्तार विशाल क्षेत्र में हुआ है। दामोदर, महानदी और गोदावरी, याद रखना दामोदर, महानदी और गोदावरी की घाटी में इसका सर्वोत्तम रूप पाया जाता है। 98% कोयला इन्हीं चट्टानों में मिलता है। यानी कि भारत में 98% जो कोयला होता है वो गोंडवाना लैंड का कोयला होता है। शेष 2% टर्शरी युग का होता है। शेष 2% कौन से काल का होता है? टर्शरी काल का। भारत में 98% कोयला जो है ये गोंडवाना तंत्र की चट्टानों से प्राप्त होता है। शेष 2% जो कोयला प्राप्त होता है वो टर्शरी काल की चट्टानों से प्राप्त होता है। दक्कन पठार, यह चट्टान विदर्भ क्षेत्र में पाई जाती है, विदर्भ प्रदेश में। दक्कन जो का फटार है तो दक्कन फटार में। अब यहां पे देखो काली मिट्टी सबसे ज्यादा है, काली मृदा, काली मृदा सर्वाधिक पाई जाती है। और ये मृदा कपास की खेती के लिए अच्छी है, कपास खेती के लिए श्रेष्ठ है, यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट अपन बात करें भारत में खनिज, भारत में खनिज, खनिजों की चर्चा करें तो भारत में बहुत सारे आपके खनिज पाए जाते हैं। वो चट्टानों का क्रम आपको याद रखना है, ठीक है। तो अब भारत में खनिजों की बात करें तो खनिज कुछ इस प्रकार से, भारत में खनिज आपको देखने को मिलेंगे, बहुत सारे खनिज हैं। खनिज जो है खनिज अयस्क के रूप में निकाला जाता है। खनिज सबसे पहले तो याद रखना किस रूप में निकलते हैं, अयस्क के रूप में निकलते हैं। पहली बात, जिसमें अशुद्धियां होती हैं, अयस्क से अशुद्धियों को दूर करने को धातु कर्म कहते हैं। दूर करने को क्या कहते हैं? धातु कर्म। ये भी आपको ध्यान रखना है मेरे मित्रों, आपसे पूछ सकता है। जो खनिज होते हैं ये अयस्क के रूप में निकाला जाता है और इसमें अशुद्धियां होती हैं, अयस्क से अशुद्धियों को दूर करने को धातु कर्म कहते हैं। अब दूसरा है, खनिज प्राय जंगली और फटारी भागों में पाए जाते हैं, जंगली और फटारी भागों में पाए जाते हैं जहां आदिवासी निवास करते हैं। इनकी अज्ञानता का लाभ उठाते हुए खनिजों को अनियमित तरीके से दोहन किया जाता है और यही कारण है कि खनिज बहुल राज्य पिछड़े हुए हैं। वास्तव में खनिजों का समुचित दोहन ही विकास का आधार है, यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगर बात करूं भारत में सर्वाधिक खनिज संपन्न राज्य कौन से हैं और भारत में सर्वाधिक खान कहां पे है, भारत में सर्वाधिक खान कहां पर है और भारत में सर्वाधिक खनिज संपन्न राज्य कौन से हैं? जैसे भारत में सर्वाधिक संपन्न राज्यों की बात करें तो उड़ीसा, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, गुजरात, असम, मध्य प्रदेश, पश्चिमी बंगाल, गोवा, ये भारत में सर्वाधिक खनिज संपन्न राज्य हैं। अब आपसे यहां से प्रश्न बन सकता है
कि भारत में सर्वाधिक खनिज संपन्न राज्य कौन से हैं। भारत में सर्वाधिक खान आंध्र प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और झारखंड में है। खाने सबसे ज्यादा कहां पाई जाती है? आंध्र प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड में। जबकि भारत में सर्वाधिक खनिज संपन्न राज्य कौन कौन से हैं? तो आपके सामने है जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश खनिजों की दृष्टि से विपणन है। यानी कि यहां पे लगभग लगभग क्या देखने को मिलता है, लगभग लगभग अभाव सा है। ठीक है, राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहा जाता है। राजस्थान को खनिजों का क्या कहा जाता है? अजायब घर कहा जाता है, क्योंकि यहां पे लगभग 87 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। यहां पे लगभग 87 यानी कि 87 प्रकार के खनिज है। दामोदर नदी घाटी को भारत का रूर भी कहा जाता है। दामोदर नदी घाटी को भारत का रूर भी कहा जाता है और छोटा नागपुर फटार को भी भारत का रूर कहा जाता है। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत का रूर किसे कहते हैं। ऑप्शन में अगर छोटा नागपुर फटार नहीं हो और दामोदर नदी घाटी हो तो आंसर सही होगा, और यदि ऑप्शन में आपको दोनों दे तो दोनों सही है। यदि ऑप्शन में दामोदर नदी घाटी नहीं दे, छोटा नागपुर फटार दे, तो वो भी सही है, ध्यान रखना है। कोयला सबसे महत्वपूर्ण खनिज माना जाता है। दो तिहाई ऊर्जा, 2/3 तिहाई ऊर्जा की आवश्यकता इन्हीं से पूरी की जा सकती है। इसे ब्लैक डायमंड भी कहा जाता है, काला हीरा। कोयले को क्या कहा जाता है? ब्लैक डायमंड, काला हीरा। और 2/3 ऊर्जा की आवश्यकता यही पूरी करता है। भारत में पेट्रोलियम, यूरेनियम और सोना अति अल्प मात्रा में पाया जाता है, अति अल्प मात्रा में पाया जाता है। आपको ध्यान रखना है कि भारत में अति अल्प मात्रा में क्या है, तो पेट्रोलियम है, यूरेनियम है और सोना है। जबकि लोहा और अभ्रक, लोहा और अभ्रक जैसे खनिज भारत में निर्यातक है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है ये चीज। नेक्स्ट, अब बात करेंगे कोयला। कोयले की बात करें तो कोयला सामान्यतः चार प्रकार का होता है, चार। एक घटिया, जिसको हम कोयले की श्रेणी में नहीं मानते इसलिए तीन ही लिखा हुआ है। एक वो बिल्कुल घटिया है जिसको कोयले की श्रेणी में नहीं मानते, उसे लकड़ी की श्रेणी में मानते हैं। उसे किस श्रेणी में मानते हैं? लकड़ी की श्रेणी में। उसे लकड़ी की श्रेणी में मानते हैं। तो कोयला तीन प्रकार का होता है, बेसिकली कोयला चार प्रकार का है, समझ में है ना। एंथ्रेसाइट, बिटुमिन्स, लिग्नाइट और पीट। जो पीट कोयला है उसे हम लकड़ी मानते हैं। पीट कोयला जो है वो लकड़ी की श्रेणी में होता है, इसलिए यहां पे तीन लिखा है कि तीन इंपोर्टेंट यही है, एंथ्रेसाइट, बिटुमिन्स और लिग्नाइट। चौथा आपको याद रखना है, पीट है जिसे हम लकड़ी की श्रेणी में मानते हैं। एंथ्रेसाइट कोयले में कार्बन की मात्रा 90% होती है, स्मोक लेस कोयला है, यानी कि इसमें धुआं नहीं होता है, धुआं नहीं। बिटुमिन्स में 80% कार्बन की मात्रा होती है, लिग्नाइट में 40-50% कार्बन की मात्रा होती है, इसे भूरा कोयला भी कहा जाता है। यह भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। परीक्षा में प्रश्न पूछता है किस कोयले को भूरा कोयला कहा जाता है, किस कोयले को भूरा कोयला कहा जाता है, तो लिग्नाइट कोयले को भूरा कोयला कहा जाता है। कोयले के तीन सबसे बड़े उत्पादक राज्य, कोयले के तीन और ये सबसे घटिया है, जब इसमें 40-45% लिग्नाइट कार्बन की मात्रा होती है तो इसमें 40 से कम होती है, लकड़ी के अंश स्पष्ट होते हैं इसमें, ठीक है। तो कोयले के तीन सबसे बड़े उत्पादक राज्यों में पश्चिमी बंगाल है, झारखंड है, उड़ीसा है। परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है, आपको ध्यान रखना है कि कोयले के तीन सबसे बड़े उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं, तो पश्चिमी बंगाल, झारखंड और उड़ीसा। कोयले की प्रमुख खाने, कोयले की प्रमुख खदान पश्चिमी बंगाल में रानीगंज, याद रखना है। पश्चिमी बंगाल में कोयले की खान कौन सी है? रानीगंज। 1774 में सबसे पहले यहीं से कोयले का उत्खनन प्रारंभ हुआ था। यह भारत की सबसे बड़ी कोयले की खान है, यह भारत की सबसे बड़ी कोयले की खान है। तो पश्चिमी बंगाल में रानीगंज जो है, इसमें 1774 में सबसे पहले कोयले का उत्खनन प्रारंभ हुआ और यह भारत की सबसे बड़ी कोयले की खान है। आसनसोल पश्चिमी बंगाल का, और
बराकर नदी घाटी, तो ये पश्चिमी बंगाल में है। झारखंड में, झारखंड में झरिया, बोकारो, गिरिडीह, रामगढ़, करणपुर, तोरंगा और डाल्टनगंज, ये झारखंड में कोयले की खानें हैं। उड़ीसा में पलचर है और ब्राह्मणी नदी घाटी है, ये उड़ीसा में है। मध्य प्रदेश में सोन नदी घाटी है, उमरिया है, सोहानपुर है, सिंगरौली है और तातापानी, याद रखना तातापानी रामकोला, ये कहां पे है? मध्य प्रदेश में। ये कोयले के प्रमुख उत्खनन क्षेत्र है मेरे मित्रों, और एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछता है तो इसको आपको याद रखना है। बिहार में लाल मटिया, कोयला उद्योग का राष्ट्रीयकरण 1972 और 1973 में कोयला उद्योग का राष्ट्रीयकरण किया गया था। सार्वजनिक उद्योग की दो कंपनियों को कोयला उद्योग की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, कोल इंडिया लिमिटेड, यह विश्व की सबसे बड़ी कोयला उत्पादक कंपनी है, यह विश्व की सबसे बड़ी कोयला उत्पादक कंपनी है जिसको कोल इंडिया लिमिटेड के नाम से जानते हैं, याद रखना। और सिंगरौली दूसरा है, सिंगरौली कोयला कंपनी, समझ में है ना, जैसे सिंगरौली कोयलाइजर्स लिखा हुआ है, तो ये आपको याद रखना है जिनको जिम्मेदारी दी गई है। तो दो कंपनियों को कोयला उद्योग की जिम्मेदारी सीआईएल और सिंगरौली कोयलाइजर्स को दी गई है, कोल इंडिया लिमिटेड और एससी, याद रखना है। लिग्नाइट की भारत में प्रमुख खान कहां पे है? तो लिग्नाइट की प्रमुख खान नेवली तमिलनाडु में है, अल्मोड़ा उत्तराखंड में है, मेघालय। विगत वर्षों में पर्यावरण मंत्रालय ने कोयला खदान को दो श्रेणियों में बांट दिया है, और दो श्रेणियों में बात करें तो एक तो है जीओ और एक है नो जीओ, यानी कि एक तो है जीओ यानी कि चलने वाली और एक नहीं चलने वाली, समझ में है ना। नो जीओ श्रेणी के खदानों में कोयले का उत्खनन प्रतिबंध कर दिया गया है। देखो गो का मतलब होता है रनिंग में, रनिंग का मतलब होता है जो वर्तमान में चल रही है, और नो गो का मतलब होता है, नो गो का मतलब यानी कि नो गो का मतलब जिनको बोलते हैं बैन, बैन है टोटली बंद पड़ी है, प्रतिबंध कर दिया गया है। इसके अलावा लिग्नाइट कोयला राजस्थान में भी होता है मेरे मित्रों, लिग्नाइट कोयला कहां भी होता है? राजस्थान, राजस्थान में बीकानेर, बाड़मेर, नागौर, यहां से भी लिग्नाइट कोयला निकाला जाता है, आपको ध्यान रखना है, क्लियर है ये? तो ये आपको याद रखना है मित्रों, आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, अब अपन बात करें नेक्स्ट की, तो लोहा, सबसे पहले अपन बात करें लोहा की, लोहा की बात करें तो लोहा यह है उद्योगों का आधार है, लोहा उद्योगों का आधार है। लोहे के दो अयस्क हैं, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट, वैसे तो चार है, इंपोर्टेंट कितने हैं? चार। हमारे राजस्थान भारत में हेमेटाइट सबसे ज्यादा, तो हेमेटाइट और मैग्नेटाइट लोहा उत्पादन में अग्रणी राज्यों में छत्तीसगढ़, उड़ीसा और गोवा है। झारखंड, कर्नाटक और तमिलनाडु भी लोहा उत्पादन में अग्रणी है। लोहे की कुछ प्रमुख खाने हैं, छत्तीसगढ़ में बैलाडीला और डल्ली राजहरा, रायगढ़, बिलासपुर, सरगुजा, उड़ीसा में क्योंझर, बरमजादा, गुरु मैसानी, सोनीपत, बादामपाड़, ये उड़ीसा में लोहे की प्रमुख खान है। नेक्स्ट अगर बात करें झारखंड में सिंहभूम और डाल्टनगंज, कर्नाटक में बाबा बुदन की पहाड़ी, पेट्रोलियम, पेट्रोलियम को रोक ऑयल भी कहा जाता है। सर्वप्रथम 1859 में पेंसिल्वानिया संयुक्त राज्य अमेरिका में इसकी खोज हुई थी। 1867 में मालूम असम में पहला तेल कुआ खोजा गया। 1890 में दुबई असम में तेल के कुएं की खोज की गई। यह भारत का सबसे पुराना तेल कुआ है। आजादी तक एकमात्र असम ही तेल उत्पादक राज्य था, आजादी तक 1947 तक, आपको ध्यान रखना है। 1960 में अलंकेश्वर खंपात की खाड़ी में तेल की खोज की गई। 1975 में बोम्बई में तेल उत्पादन प्रारंभ हुआ और यह भारत के ईईजेड यानी कि एनक्लेसिव इकोनॉमिकल जोन में स्थित है। यह भारत का सबसे बड़ा तेल उत्पादक क्षेत्र है, जहां
से तेल का उत्पादन 40% होता है। असम सबसे बड़ा तेल उत्पादक राज्य है, राजस्थान दूसरा उत्पादक राज्य है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है। बात करें अपन आगे, असम में तेल उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र यानी कि डिगबोई है, नहर कटिया है, शिवसागर है, तिनसुकिया है, उगरी जान मोरा है, बदरपुर है, पतरिया है और सीमामपुर है। ये सब क्या है, असम में तेल उत्पादन के केंद्र है। ब्रह्मपुत्र और सुरमा नदी घाटी तेल उत्पादन के लिए जानी जाती है। कोयला की तरह पेट्रोल भी औषधि चट्टानों में पाया जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। NELP न्यू एक्सप्लोरेशन लाइसेंसिंग पॉलिसी 1999 में इसकी शुरुआत की गई। इसके तहत भारत के विभिन्न भूभागों को ब्लॉक के रूप में आवंटित करके तेल की खोज के अवसर प्रदान किए जाते हैं। ONGC और कैरिन एनर्जी को बाड़मेर में तेल उपलब्ध हुआ। मंगला, सरस्वती, रागेश्वरी, ऐश्वर्या इस क्षेत्र के प्रमुख तेल के कुओं के नाम है, ये आपको ध्यान रखना है। रिलायंस को कृष्णा गोदावरी बेसिन में तेल उपलब्ध हुआ, इसे भारत का सबसे बड़ा तेल भंडार कहा जा रहा है। धीरूभाई अंबानी के नाम पर इनको D1, D2, D6 तक, D3, D4, D5, D6 कहा जाता है। ये धीरूभाई अंबानी के नाम पर इनका नामकरण हुआ है, जैसे धीरूभाई अंबानी 1, धीरूभाई अंबानी 2, तो D1, D2, D6 तक नाम है, ये आपको ध्यान रखना है। थोरियम की बात करें, थोरियम मोनोजाइट के रूप में तटीय क्षेत्रों में प्राप्त होता है। इसका उपयोग यूरेनियम 233 प्राप्त करने में किया जा सकता है, जिसे तीसरे चरण के परमाणु रिएक्टर में प्रयोग किया जाएगा, यह आपको ध्यान रखना है। यूरेनियम 233, ठीक है, और मोनोजाइट के रूप में तटीय क्षेत्रों से प्राप्त होता है। भारत में लगभग 50,000 टन मोनोजाइट के भंडार है, जो 300 वर्षों के लिए ऊर्जा आवश्यकता को पूरा कर सकते हैं। थोरियम के प्रमुख उत्पादक राज्य आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा, केरल और पश्चिमी बंगाल और बिहार है, यह आपको याद रखना है। तो इस प्रकार का होता है थोरियम। हीरे की अपन बात करें तो हीरे के प्रमुख उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश में पन्ना और उत्तर प्रदेश में कालीजर है, ये हीरे के लिए प्रसिद्ध है। हीरे के लिए मध्य प्रदेश में पन्ना, हीरा ऐसा होता है जिसने दर्शन नहीं किए तो आप दर्शन कर लो। अब बात करेंगे सिलिका सैंड, ये होती है सिलिका सैंड, टाइल्स भी देखी होंगी। ऑप्टिकल फाइबर के निर्माण में सिलिका सैंड का प्रयोग किया जाता है। ऑप्टिकल फाइबर संचार क्रांति का आधार है। ऑप्टिकल फाइबर संचार क्रांति का क्या है, आधार। उत्तर प्रदेश में सिलिका सैंड के उत्पादन में प्रथम स्थान है तथा राजस्थान इसके उत्पादन में दूसरा स्थान रखता है। तांबा, तांबा उत्पादन में प्रमुख क्षेत्र सिंहभूम झारखंड का, बालाघाट मध्य प्रदेश का और आपके खेतड़ी सिंगाना राजस्थान। ये खेजड़ी नहीं है, ये खेतड़ी है, खेतड़ी, खेतड़ी सिंगाना, खेतड़ी सिंगाना राजस्थान, तो ये आपको ध्यान रखना है। और इस प्रकार की चट्टानों से प्राप्त होता है ये अब्रक, जिसको माइका बोलते हैं, तो इसे इन सोल्यूटर के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसके प्रमुख उत्पादक क्षेत्र आंध्र प्रदेश, राजस्थान, झारखंड है। कोडरमा झारखंड अब्रक की प्रसिद्ध खान है, आपको याद रखना है। सोरा या साल्ट पीटर, इसका प्रयोग बारूद बनाने में, बारूद बनाने में किया जाता है। बिहार व पंजाब इसके प्रमुख उत्पादक राज्य है, यह आपको ध्यान रखना है। इस प्रकार की चट्टानों से अब्रक प्राप्त होती है, इस प्रकार से साल्ट पीटर या सोरा प्राप्त होता है, जिससे बारूद बनता है। देखो, दर्शन कर लो, क्लास को शेयर भी कर देना मेरे परम मित्रों। सीसा या जस्ता, राजस्थान का जावर खान, राजस्थान का जावर खान सीसा जस्ता के उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है। इसके प्रमुख उत्पादक राज्य राजस्थान तथा गुजरात है। जिप्सम प्रमुख उत्पादक राज्य राजस्थान और तमिलनाडु है, जिप्सम का। और एस्बेस्टस प्रमुख उत्पादक राज्य राजस्थान है, एस्बेस्टस का। एस्बेस्टस का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है, राजस्थान। इस प्रकार की जो रॉक्स होती हैं उनसे प्राप्त होता है ये। ग्रेफाइट उड़ीसा से,
टिन बिहार से, निकिल उड़ीसा से, डोलोमाइट आंध्र प्रदेश छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से, चूना पत्थर आंध्र प्रदेश राजस्थान और मध्य प्रदेश से, और बॉल क्ले राजस्थान से, पन्ना राजस्थान में, फेल्सपार राजस्थान में, कोबाल्ट राजस्थान केरल से, टंगस्टन राजस्थान की डेगाना से प्राप्त होती है। मेरे मित्रों ये आपको ध्यान रखना है। पाइराइट बिहार और राजस्थान से, बॉक्साइट उड़ीसा राजस्थान छत्तीसगढ़ से, और आपके डेराइट आंध्र प्रदेश की कड़प्पा जिले की मंगमपेड़ खान से, क्रोमाइट आंध्र प्रदेश कर्नाटक से, चांदी राजस्थान से, फायर के लिए गुजरात बिहार से, मैग्नीज उड़ीसा कर्नाटक महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से, ग्रेनाइट तमिलनाडु से, एंटीमनी कर्नाटक पंजाब से, और सैल खड़ी राजस्थान और उत्तर प्रदेश से प्राप्त होती है। मेरे मित्रों आपको ध्यान रखना है भाई, ये मोटा मोटा है, इनके बारे में आपको याद रखना पड़ेगा और इनको ध्यान रख के आपको पढ़ना भी पड़ेगा। भारत के आदिवासी, अब बात करेंगे भारत में ट्राइब्स की। भारत के आदिवासी, भारत के ट्राइब्स, सबसे पहले अमृतलाल विठलवास ठक्कर, ठक्कर बप्पा के नाम से जानते हैं, इन्हें आदिवासी नाम दिया। अमृतलाल विठलवास ठक्कर ने इन्हें आदिवासी नाम दिया, यानी कि सबसे पहले आदिवासियों को आदिवासी कहने वाले कौन थे? अमृतलाल विठलवास ठक्कर, जिसको ठक्कर बापा कहते हैं। इन्हें जनजाति, वनवासी, गिरिजन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जनजाति, वनवासी, गिरिजन भी कहा जाता है। अनुच्छेद 342 के तहत राष्ट्रपति द्वारा इसकी सूची तैयार की जाती है। वर्तमान में इस सूची में 744 जनजातियां हैं। जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक आदिवासी वाले राज्य मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है और उड़ीसा। याद रखना है, वर्तमान में यानी कि अगर मैं बात करूं तो जनसंख्या की दृष्टि में सर्वाधिक आदिवासी मध्य प्रदेश में देखने को मिलेंगे। कुल जनसंख्या में अगर वहां पे ट्राइब्स है तो एमपी में सबसे ज्यादा, 2 नंबर पर महाराष्ट्र पे, 3 नंबर पर उड़ीसा में। प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक आदिवासी कहां मिलेंगे? मिजोरम में, नागालैंड में, मेघालय में, अरुणाचल प्रदेश में। प्रतिशत की दृष्टि से न्यूनतम आदिवासी कहां मिलेंगे? गोवा में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, तमिलनाडु में। सबसे कम गोवा, 0 है ही नहीं वहां पे, बिल्कुल है ही नहीं। ये आपको ध्यान रखना है, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। भारत में आने वाली पहली प्रजाति निग्रेटो, भारत में आने वाली पहली प्रजाति कौन सी थी? निग्रेटो। नागा, अंगामी, इरुला, कडार, कुलेन और कनिगर निग्रेटो प्रजाति से संबंधित है। किससे संबंधित है? निग्रेटो प्रजाति से संबंधित है। प्रोटोस्ट्रोल और ऑस्ट्रोलाइट भारत का सबसे प्रमुख आदिवासी समूह है। प्रोटो ऑस्ट्रोलाइट जो है ये भारत का सबसे प्रमुख आदिवासी समूह है। इससे जुड़ी जनजातियां भील, संथाल, मुंडा, कोल और चेचू है। नॉर्डिक प्रजाति भारत में सबसे बाद में आई प्रजाति है। राजपूत और सिख इसी से संबंधित है। मुंबई के पारसी आर्मेनाइट प्रजाति से संबंधित है। भारत की कुल जनसंख्या का 8% आदिवासी है। जैसे भारत में 100 लोग रहते हैं तो 8 लोग कौन होंगे? आदिवासी। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी जनजातियों में पहला स्थान गोंड, फिर भील, फिर संताल, फिर उरांग। क्रम याद रखना है, भारत की सबसे बड़ी जनजातियों में सबसे पहले गोंड, फिर भील, फिर संताल, फिर उरान। ये इस प्रकार के होते हैं गोंड। गोंड की बात करें तो इनका मूल निवास छत्तीसगढ़ है। 16वीं शताब्दी में रानी दुर्गावती इसी से संबंधित थी। जो 16वीं शताब्दी में रानी दुर्गावती थी वो गोंड समुदाय से संबंधित थी। भील की बात करें तो साहित्य में वर्णित सबसे पुरानी जनजाति है। किरात के नाम से भी जानी जाती है भील को। क्या भी कहते हैं? किरात। धनुष बाण धारण करने के कारण इन्हें भील कहा जाता है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र भीलों के निवास स्थान है। मोतीलाल तेजावत को भीलों का अग्रदूत कहा जाता है। मोतीलाल तेजावत को भीलों का क्या कहा जाता है? अग्रदूत कहा जाता है। तो ये भील जनजाति है। संथालों की बात करूं तो झारखंड के निवासी है। इस क्षेत्र का संथाल परगना भी कहा जाता है। 1855-56 में सिद्धू और कानू के नेतृत्व में संथालों ने
विक्वो यानी कि बाहरियों के विरुद्ध विद्रोह किया था। तो संथाल विद्रोह का नाम आपने सुना होगा। उरांग झारखंड और उड़ीसा के मूल निवासी हैं। तो ये उरांग है, ये आपके संथाल है और ये इनकी आपके पारंपरिक लोक साहित्य और संस्कृति है। नागा नागालैंड मणिपुर अरुणाचल प्रदेश और असम के निवासी है। स्वयंवर की प्रथा इनमें अभी भी विद्वान है। छोटे पुत्र को पिता की संपत्ति प्राप्त होती है। अब देखो छोटा पुत्र होना कितना लाभदायक है, बड़े पुत्र को नहीं, सबसे छोटे पुत्र को पिता की संपत्ति। अब बड़े तो लांटन लेके घूमो, ठीक है। एकमात्र लड़ाकू जनजाति है। NSCN के कई गुट संग्रहत है इनमें, ये ध्यान रखना है। ये है नागा। तो ये कुछ आप लोगों के लिए इंडियन ज्योग्राफी के आज के पार्ट्स थे। बाकी की बात अपन कल की क्लास में पूरी करेंगे मेरे दोस्तों। उम्मीद करता हूं आपको सेशन समझ में आया होगा। शेयर जरूर करना आपको रोचक इसी प्रकार के सेशन के लिए। हम आगे भी आपको इसी प्रकार का जो ज्ञान है वो देते रहेंगे। अनअकैडमी पे मेरा 15 तारीख से क्लास शुरू हो रहा है, तो आइकोनिक और प्लस में आप जो भी ज्वाइन करना चाहे वो तो कर सकते हैं। रेफरल कोड आपको यूज करना है कैपिटल अक्षर में विदाउट गैप दिए हुए राजेंद्र 10, ठीक है ना। बहुत बहुत धन्यवाद। शेयर सब्सक्राइब जरूर करना मेरे दोस्तों, और यदि आपने सब्सक्राइब किया बेल आइकन को नहीं दबाया तो नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा, इसलिए बेल आइकन को भी आप प्रेस कर ले। थैंक यू मेरे मित्रों।